नमस्कार बच्चों आप सबको मेरे इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है बच्चों अब तक हम संस्कृत में सप्तमी कक्षा के तीन पाठ पढ़ चुके हैं और व्याकरण भी सीख चुके हैं अब हम रचनात्मक कार्य में संस्कृत में चित्र वर्णन किस प्रकार करना है देखते हैं रचनात्मक कार्यम चित्र वर्णन बच्चों आपको संस्कृत में चित्र वर्णन पैराग्राफ में लिखने की जरूरत नहीं है सिर्फ आप वाक्य में पांच वाक्यों का निर्माण करना है तो चलो बच्चों कैसे वाक्य में प्रयोग करना है इस वीडियो के द्वारा हम सीखते हैं बच्चों पहले आप चित्र वर्णन करते समय चित्र को ध्यान से देखना चाहिए चित्र को ध्यान से देखना चाहिए यहां पे देखिए बच्चों चित्र में क्या क्या है कौन क्या कर रहे हैं ये सारे आपको ध्यान से देखना चाहिए यहाँ पे देखिए बच्चों यहाँ पे बच्चे हैं और बालिका है पेड़ है फूल है पर्वत है बाद में यहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं बच्चों यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं किसके साथ खेल रहे हैं गेंद से यहाँ पे लड़कियां भी है और क्या है वृक्ष भी है फूल भी है फूल क्या हुए हैं फूल खिल चुके हैं अब हम संस्कृत में इन शब्दों के साथ कैसा वाक्य निर्माण करना है देखते हैं देखिए बच्चों अब तक आप लटलकार वर्तमान काल सीख चुके हैं। वर्तमान काल में वर्तमान काल में यहाँ पे देखिए क्या आएगा धातु के अंत में टी बाद में है के लिए अस्थि आएगा आप पांचवी कक्षा में छठी कक्षा में सीख चुके हैं और द्विवचन में यहाँ पे द्विवचन आना चाहिए वी वचन में तह पठ है के लिए दो है के लिए स्त आना चाहिए बहुवचन में अंति आना चाहिए पटंती और संति आना चाहिए समझ में आया है ना बच्चों धातुओं का प्रयोग किस प्रकार करना है बाद में आप चित्र देखने के बाद में मंजूषा में मंजूषा को देखना चाहिए मंजूषा के शब्दों के संस्कृत शब्दों के अर्ध जानना चाहिए आपको देखिए बच्चों यहाँ पे मंजूषा हेल्प बॉक्स बालक आहा। अनेक बालक क्रीडंती सब खेल रहे हैं कंदुकेना गेंद से से किसके साथ जुड़ा हुआ है समझो बच्चों एना आपको जोड़ना चाहिए कुमलिंग शब्द रहा समझो एना स्त्रीलिंग शब्द समझो रामेना लतया तृतीय विभक्ति में आएगा बाद में वृक्षा अनेक वृक्ष पुष्पाणी अनेक पुष्प विकसंती अनेक पुष्प अनेक खेल रहे हैं अब हम चित्र देख चुके हैं और मंजूषा के शब्द भी जान चुके हैं अब हम वाक्य कैसा निर्माण करना है देखते हैं देखिए बच्चों पहले हम चित्र को चित्र कहाँ हो रहा है चित्र किसका संबंधित है किससे संबंधित है आपको वो देखना चाहिए यहाँ पे देखिए बच्चों यह चित्र किसके बारे में बता रहा है कहाँ है कहां का है ये सब आपको देखना चाहिए बच्चे कहाँ खेलते हैं पार्क में खेलते हैं उद्यान में खेलते हैं तब आप यहाँ पे पहला वाक्य लिखते समय इदम चित्रम क्या लिखना चाहिए बच्चों इदम चित्रम यह चित्र किसका है उद्यान उद्ध्यान उद्यान का अस्ति है यह चित्र उद्यान का है एक वाक्य बन गया है बच्चों यहाँ पे देखो उद्यानस्य उद्यानम नपुंसकलिंग शब्द है इसलिए आपको उद्यानस्य जोड़ना चाहिए समझ में आया बच्चों पुमलिंग का शब्द रहने दो नपुंसकलिंग का शब्द है समझो चित्र उसके बारे में बता रहा है समझो उसको आप जोड़ना चाहिए समझ में आया बच्चों उद्यानस्य विद्यालय अब यहाँ पे विद्यालय का चित्र है समझो विद्यालय विद्यालय कुमलिंग शब्द है इसलिए आपको लिखना है विद्यालय समझ में आया बच्चों नेक्स्ट स्त्रीलिंग का है समझो यहा जोड़ना चाहिए उस मूल शब्द को आपको यहाँ जोड़ना चाहिए ये, ये, ये। यहाँ पे चित्र आपको कक्षा का है समझिए कक्षा स्त्रीलिंग शब्द है उसलिए कक्षाया तब आपका वाक्य कैसा बनेगा इदम चित्रम कक्षाया अस्ति समझ में आया बच्चों अब देखिए प्ले ग्राउंड का है समझो प्ले ग्राउंड को क्या बोलते हैं संस्कृत में कि क्रीडा क्षेत्र क्षेत्र कौन सा शब्द है बच्चों नपुंसकलिंग का शब्द है उसलिए आपको क्या जोड़ना चाहिए जोड़ना चाहिए तब आपका शब्द क्या बनेगा क्रीड़ा क्षेत्र वाक्य क्या बनेगा तब आपका इदम चित्रम क्रीडा अस्ति समझ में आया बच्चों पहला वाक्य किस प्रकार लिखना है फिर से एक बार समझा रही हूं पहले आप इदम चित्रम यह चित्र लिख कर बाद में यह चित्र किससे संबंधित है किसके बारे में बता रहा है ये आपको ध्यान से देखना चाहिए समझ में आया बच्चों अब उस शब्द को उस शब्द स्त्रीलिंग रहा समझो उसको यहा जोड़ना चाहिए पुमलिंग या नपुंसकलिंग शब्द रहा समझो जोड़ना चाहिए अब यहाँ पे चित्र उद्यान का है इसलिए उद्यानम नपुंसकलिंग शब्द है इसलिए हम क्या जोड़ रही है यहाँ पे सद्यान इदम चित्रम उद्यान स यहाँ पे उद्यान एक ही है ना इसलिए आपको एक वचन क्या है, है उद्यान चित्र उद्यान का है समझ में आया बच्चों पहला वाक्य कैसा लिखना है तो चलो बच्चों दूसरा वाक्य किस प्रकार लिखना है देखते हैं अब देखिए बच्चों पहला वाक्य आप लिख चुके हैं अब हम दूसरा वाक्य बाद में आप लिख सकते हैं इस चित्र में आप अभी अभी संस्कृत का चित्र वर्णन सीख रहे हैं इसलिए सिंपल साधारण वाक्य आपको आप लिखने के लिए कोशिश कीजिए ठीक है ना बच्चों यहाँ पे देखिए अस्मिन चित्रे मतलब इसका अर्थ है इस चित्र में चित्रे में ही है चित्र में अस्मिन इस चित्र में अस्मिन चित्रे इस चित्र में बाल बच्चे बालका कौन सा वचन है बच्चों बहुवचन सही है बहुवचन बहुवचन है इसलिए आपका क्रिया भी किस में होना चाहिए अंति क्रीडंती बाल क्रीडंती यहाँ पे बालक कर्ता शब्द है और क्रीडंती क्रिया शब्द है धातु समझ में आया बच्चों यहाँ पे बाल हैं बालक, है। बालक बहुवचन है इसलिए आप क्रीडंती भी बहुवचन में ही लिखना चाहिए समझ में आया बच्चों साधारण वाक्य किस प्रकार लिखना है यहाँ पे आप लिख रहे हैं पहले अस्मिन चित्रे इस चित्र में बाल क्रीडंती बच्चे खेल रहे हैं और इसको और जोड़ सकते हैं आप किससे खेल रहे हैं गेंद से, से विभक्ति किस में आएगा तृतीय विभक्ति में यहाँ पे ऑलरेडी आपको शब्द है इसमें आप जोड़कर भी लिख सकते हैं किस प्रकार लिखना चाहिए चित्रे का न क्रीडंती समझ में आया बच्चों किससे खेल रहे हैं और शब्द बढ़ाने के लिए आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं अस्मिन चित्रे बालका कंदुके न क्रीडंती समझ में आया बच्चों मतलब इस चित्र में बालक गेंद से खेल रहे हैं समझ में आया बच्चों अब हम हाँ, तीसरा वाक्य देखते हैं चलिए यहाँ पे देखिए बच्चों बच्चों के यहाँ पे बालक गेंद से खेल रहे ये हो गया है और बाद में यहाँ पे आपको क्या दिख रहे हैं और क्या दिख रहे हैं फूल दिख रहे हैं ना बच्चों आपको यहाँ पे फूल को क्या कहते हैं संस्कृत में पुष्प यहाँ पे बहुत सारे फूल है बहुत सारे अनेक फूल को क्या कहते हैं पुष्पाणी फिर से आप अस्मिन चित्रे इस चित्र में पुष्पाणी फूल क्या करते हैं खिलते हैं इसलिए आप डायरेक्ट पुष्पाणी समझ में आया बच्चों अस्मिन चित्रे पुष्पाणी विकसनती इस चित्र में फूल खिल रहे हैं पुष्पाणी बहुवचन विकसनती भी बहुवचन इस वाक्य को ही आप एक वचन में किस प्रकार एक ही फूल है समझो किस प्रकार लिखते हैं चित्रे कॉमन तो ही है पुष्पम विकसती समझ में आया बच्चों एक फूल ही है समझो वहां पे आप लिखते हैं पुष्पम विकसती यहाँ पे अनेक फूल है इसलिए आपको लिखना है पुष्पाणी विकसंती अब साधारण वाक्य लिखने के लिए कोशिश कीजिए बच्चों ठीक है आप पहले बार आप संस्कृत में वाक्य निर्माण किस प्रकार करना है सीख रहे हैं इसलिए आप साधारण वाक्य लिखने के लिए कोशिश कीजिए तो चलो बच्चों आगे का वाक्य क्या है देखते हैं अब यहाँ पे देखिए बच्चों चित्रे अस्मिन चित्रे इस चित्र में यहाँ पे देखिए बच्चों बहुत सारे क्या है वृक्ष वृक्ष कौन सा लिंग है पुंलिंग इसलिए बहुत सारे अनेक वृक्ष वृक्षा समझ में आया बच्चों बहुवचन इसलिए क्रिया भी आपको बहुवचन में ही लिखना चाहिए वृक्षा संति एक ही वृक्ष है समझो तब आपको क्या लिखना है वृक्ष चित्रे अस्त्र वृक्ष अस्ति आपको वैसा ही शब्द बढ़ाते जाना है समझ में आया बच्चों अब दो वृक्ष है समझो अस्त्रे दौ वृक्ष अस्त्रे वृक्षौ समझ में आया बच्चों तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं यहाँ पे देखिए वृक्ष के बारे में लिख चुके हैं वाक्य और क्या दिख रहा है पुष्प के बारे में लिख चुके हैं बच्चों के बारे में लिख चुके हैं और यहाँ पे बालिका भी आपको दिख रही है ना इसलिए हम लोग बालिका के बारे में क्या वाक्य निर्माण कर सकते हैं अस्मिन चित्रे कॉमन इस चित्र में बालिका है बालिका संक्य कोई और किस प्रकार लिख सकते हैं अपी चित्रे बालिका भी है बालिका बहुवचन में इसलिए आपका क्रिया भी बहुवचन में ही होना चाहिए इस वाक्य कोई आप एक एक वचन में किस प्रकार लिखते हैं अस्मिन चित्रे बालिका अस्ति दो बालिका है समझो अस्मिन चित्रे द्वे दालिके स्तः अस्मिन चित्रे बालिके स्तः क्रिया सेम रहेगा शब्द ही कर्ता का शब्द ही बदलेगा यहाँ पे बालक है समझो बालका हा। बालिका है समझो बालिका लेकिन संधि ही आएगा समझ में आया बच्चों वाक्य का निर्माण किस प्रकार करना है अब देखिए अब देखिए बच्चों अब यहाँ पे पूरे वाक्यों को किस प्रकार हम लिख चुके हैं इदम चित्रम उद्यान से यह चित्र यह चित्र उद्यान का है अस्मिन चित्रे बालका क्रीडंती इस चित्र में बालक खेल रहे हैं नेक्स्ट तीसरा वाक्य देखिए बच्चों अस्मिन चित्रे पुष्पाणी विकसंती इस चित्र में बच्चों देखिए मे चित्रे अस्मिन चित्रे पुष्पाणी विकसन्ति पे देखिए बच्चों चित्रे सन्ति इस चित्र में वृक्ष है पांचवा सेंटेंस देखिए अस्मिन चित्रे बालिकाः सन्ति इस चित्र में बालिका है और वाक्य और बहुत कुछ वाक्य भी लिख सकते हैं इदम चित्रम आपको अच्छा लगा समझो चित्र इदम चित्रम अस्ति यह चित्र सुंदर है रमणीयम अस्ति रमणीय है इस प्रकार आपको वाक्य लिखना चाहिए समझ में आया बच्चों वाक्य का निर्माण किस प्रकार करना है समझ में आया है बच्चों पहले आप ध्यान में रखिए पहले आप चित्र को ध्यान से देखिए समझ में आया बच्चों चित्र को पहले आप ध्यान से देखिए चित्र किसके किससे संबंधित है किसके बारे में बता रहा है श्रीलिंग का शब्द है समझो श्रीलिंग अब यहाँ पे कक्षा का है समझो कक्षा याहा इदम चित्रम कक्षाया अस्थि समझ में आया बच्चों अब उद्यान का है समझो स्या जोड़ना है नपुंसकलिंग या पुमलिंग शब्द का है समझो स्या जोड़ना है उद्यान सिया ओके मयूर का मोर का है समझो आपको मोर का चित्र वर्णन करने के लिए दिया समझो क्या लिखना है मयूर शुकस्य सारे पुमलिंग का शब्द है ना इसलिए इस प्रकार आपको लिखना चाहिए पहले आप चित्र को ध्यान से देखना चाहिए नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट है आपको मंजूषा हेल्प बॉक्स रहेगा हेल्प बॉक्स के शब्दों को संस्कृत शब्दों को अर्ध आप जानना चाहिए समझ में आया बच्चों नेक्स्ट तीसरा स्टेप है पहले आप लिखते समय इदम चित्रम ओके इस प्रकार आपको शुरू करना चाहिए समझ में आया बच्चों आपको अंत में आपको चित्र अच्छा लगा समझो इदम चित्रम रमणीयम अस्ति इदम चित्रम सुंदरम अस्ति इस प्रकार भी आप वाक्यों को बढ़ा सकते हैं तो बच्चों अब आप, मैं आपको वर्कशीट में और दो चित्र दूंगी आप पहले चित्र को देखिए चित्र देखने के बाद में हेल्प बॉक्स की सहायता से आपको साधारण वाक्य बनाने के लिए कोशिश कीजिए बच्चों धन्यवाद बच्चों